Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Dear friends, पिछले क्लास में हमने रेशनल एंड इरेशनल पढ़े थे. आज हम रियल नंबर जो हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो रियल नंबर्स, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर. वो नंबर जो या वो सेट ऑफ नंबर जिसमें हमारे पास रेशनल हो और इरेशनल हो, तो उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं और उसको हम आर से डिनोट करते हैं. इस तरह आर से, लेट सपोज एक्स मेरे पास एक नंबर है जो कि या तो वो रेशनल से बिलोंग करेगा या तो वो इरेशनल से बिलोंग करेगा, तो वो नंबर मेरे पास आर में आ जाएगा. यानी ऐसा नंबर जो या तो रेशनल हो या इरेशनल हो तो वो आर में आता है. यानी आर में हमारे पास दोनों होते हैं, रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं. इसके बाद हैं रियल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो प्रॉपर्टीज़ से पहले ले बाइनरी ऑपरेशन जो है रियल नंबर्स का. बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, किस के कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन? द ऑपरेशन ऑन एनी टू नंबर इज नोन हैज बाइनरी ऑपरेशन. लेट सपोज मेरे पास दो नंबर हैं, अगर दो नंबर है और इस दो नंबर पर जब मैं कोई ऑपरेशन करता हूँ तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. लेट सपोज मेरे पास ये दो नंबर हैं 5 और 6, तो इस पर मैं जब एडिशन करता हूँ या इस पे मैं मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन जो ऑपरेशन मैं इन दो नंबर्स पे करता हूँ तो उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. लेट सपोज यहाँ पर ये 5 और 6 हैं, इस पे मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन किया जिससे मेरे पास आंसर 11 आ गया. अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, ये एडिशन है, क्योंकि जब मैं 5 और 6 को आपस में ऐड करता हूँ तो इससे 11 आता है. इस तरह 5 और 6 इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इससे मेरे पास 1 आता है. जब इसको मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ आपस में तो इससे मेरे पास 30 आता है. इस तरह जब मैं 5 और 6 को आपस में डिवाइड करता हूँ तो इससे 1.2 आता है. तो बाइनरी ऑपरेशन जो है दो नंबर्स को जब हम आपस में उस पर जब कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. इसके बाद हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और पाँचवा है आइडेंटिटी एलिमेंट और छठा है इनवर्स. ये रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ हैं. तो चलिए आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के. इनको क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट सपोज मेरे पास दो नंबर तीन नंबर हैं, एक हैं एक्स वाई हैं जेड हैं. ये जनरल, ये कोई जो भी नंबर आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जनरली एक्स और वाई जो हैं वो लिया है. और ये आर से बिलोंग करते हैं ये तीनों नंबर्स. जब मैं इन तीनों नंबर्स को, ये दो नंबर्स एक्स और वाई को जब मैं आपस में ऐड करता हूँ तो इसकी एडिशन से जो वैल्यू जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग करेगा. इस तरह जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपस में तो इससे जो आंसर जो रिजल्ट आएगा तो वो भी मेरे पास रियल नंबर में बिलोंग करेगा. इस तरह जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड करता हूँ तो वो भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा. इस तरह जब मैं दोनों को सब डिवाइड करता हूँ आपस में तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर में होगा. यानी जब दो नंबर यानी एक्स और वाई, ये दो नंबर हैं, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा जो जब मैं इस पे बाइनरी जो भी बाइनरी ऑपरेशन जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा तो वो भी इस रियल नंबर में बिलोंग करेगा. और यहाँ पे जो है डिवीजन में जो वाई है वो जीरो के बराबर नहीं होगा. अब आते हैं यहाँ एग्जांपल की तरफ. ये 2 है और 6 है, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करता है. और जब हम इसको आपस में ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है 8 तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है. इस तरह अगर मैं 6 से 2 माइनस कर दूँ तो इससे आंसर 4 आता है ना. तो 6 से जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, 2 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है और 4 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है. इस तरह अगर 3 और 3 को मैं आपस में मल्टीप्लाइड कर दूँ तो इससे जो रिजल्ट आता है 9, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करता है. इस तरह डिवीजन में भी है, जब मैं 6 को 3 पे डिवाइड करता हूँ तो इससे जो आंसर 2 आता है तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है. इसके बाद है कमोटेटिव प्रॉपर्टी.
कमोटेटिव प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर हैं एक्स और वाई जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, जब मैं एक्स और वाई को आपस में ऐड कर दूँ इस तरह कि पहले एक्स हो और फिर वाई हो, तो इससे जो आंसर आएगा, और जब पहले वाई हो और फिर एक्स हो जो इससे जो आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर, ये आपस में सेम होगा, यानी ऑर्डर पे कोई उसको जो ऑर्डर है ये इसके वैल्यू को चेंज नहीं करता है। इस तरह अगर मैं एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाइड कर दूँ और फिर वाई और एक्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो इस इन दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम होगा। लेकिन अगर मैं एक्स से वाई माइनस कर दूँ तो उसका जो आंसर है वो इक्वल नहीं होगा जब मैं वाई से एक्स माइनस कर दो। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं है, इन दोनों में होल्ड है, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, इन दोनों में होल्ड है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं है। और जब मैं एक्स को डिवाइड कर दूँ वाई पे और वाई को डिवाइड कर दूँ एक्स पे, तो इन दोनों के आंसर जो हैं वो आपस में सेम नहीं आएंगे, क्योंकि डिवीजन में भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं है रियल नंबर का। अब यहाँ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जब मैं 2 और 3 को आपस में ऐड करता हूं तो इससे आंसर 8 आता है। इस तरह जब मैं 6 और 2 को ऐड करता हूं तो इससे 8 आता है। यहां पे पहले 2 था फिर 6 था, लेकिन यहां पे पहले 6 था, 6 है फिर 2 है, तो जो ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो आंसर पे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी इस तरह है, 6 × 2 तो इससे 12 आता है, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, सॉरी यहाँ पे ये 12 है, और इस तरह 2 × 6 तो इससे भी 12 आता है। तो ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में कमोटेटिव लॉ जो है वो होल्ड है। लेकिन आप यहाँ पर देखें 3 − 2 तो इससे 1 आता है ना, लेकिन और 2 − 3 तो इससे -1 आता है, तो यहाँ 1 और −1 ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में कमोटेटिव ला जो है वो होल्ड नहीं है। इस तरह अगर आप डिवीजन को देखें, 6 / 3 तो इससे 2 आता है, और 6 × 3 / 6 तो इससे 0.5 आता है, तो इसलिए डिवीजन में भी कमोटेटिव ला जो है वो होल्ड नहीं है। आपने यहाँ पे देखा कि सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों में कमोटेटिव लॉ जो है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी आप इसको लॉ भी कह सकते हैं, तो इन दोनों में कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड है, लेकिन इन दोनों में कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आप लेट सपोज मेरे पास 3 नंबर हैं एक्स और वाई जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब अगर मैं इस तरह करूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले मैं इन दोनों की आपस में एडिशन कर दूँ और फिर इन दोनों की आपस में एडिशन कर दूँ, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और फिर बाद में इसको एड जेड जो है वो ऐड कर दूँ, तो दोनों के जो आंसर हैं वो सेम आएंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी इस तरह है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इंटू जेड, तो ये अगर मैं पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ और फिर एक्स को मल्टीप्लाइड कर दूँ इन दोनों के आंसर को, तो इससे जो आंसर आएगा वो सेम होगा। अगर मैं इस तरह करूँ कि पहले एक्स और वाई को ऐड कर दूँ और फिर इससे जो आंसर आए फिर उसको मैं जेड जो है वो उसको मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो इन दोनों के आंसर जो हैं वो आपस में सेम आएंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इन दोनों में इस तरह नहीं है, इससे आंसर अलग अलग आएंगे। अगर मैं वाई और जेड को पहले सब्ट्रैक कर दूँ और फिर इससे एक्स जो है वो सब्ट्रैक कर दूँ, या मैं इस तरह कर दूँ कि एक्स माइनस वाई जो है वो पहले कर दो और फिर जेड को इससे सब्ट्रैक कर दो, तो इन दोनों के आंसर जो हैं वो आपस में सेम नहीं आएंगे। इस तरह अगर मैं वाई को जेड से डिवाइड कर दूँ फिर इससे जो आंसर आए उसको मैं एक्स से डिवाइड कर दूँ, तो इन दोनों के आंसर, तो इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल नहीं आएगा। अगर मैं इस तरह करूँ कि एक्स और वाई को पहले मैं डिवाइड कर दूँ फिर जेड को डिवाइड कर दूँ इनसे, तो ये दोनों के आंसर जो हैं वो आपस में सेम नहीं। अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स में देखें, अगर मैंने यहाँ पर पहले 6 और 3 को ऐड किया तो इससे 9 आंसर आते हैं, फिर इसको मैंने 2 ऐड किया तो इसे 11 आ गया। इस तरह अगर मैं इस तरह करूँ कि 2 और 6 को पहले ऐड कर दूँ जिससे 8 आता है और फिर इसको मैं 3 ऐड कर दूँ तो इससे 11 आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में होल्ड है। इस तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं पहले 3 और 2 जो है आपस में मल्टीप्लाइड कर दूँ और फिर इसको 6 ऐड कर दूँ तो इससे 36 आता है। इस तरह अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दूँ और
फिर इससे जो आंसर आए वो उसको मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो आंसर है इसका और इसका ये आपस में सेम है. लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात अगर हम करें तो सब्ट्रैक्शन में होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करता है. यहाँ 3 माइनस 2 इससे मेरे पास आंसर 1 आता है और 6 से जब मैं इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इससे 5 आता है. लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें कि 6 से मैं जब मैं 3 माइनस कर दूँ तो इससे 3 तो आता है लेकिन यहाँ पर माइनस 2 है तो फिर माइनस 2 और प्लस 3 तो इससे मेरे पास 1 आता है. तो इसी लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं है. इस तरह डिवीजन में भी होल्ड नहीं है. डिवीजन में अगर आप यहाँ पर देखें 3 डिवाइडेड बाय 3 तो इससे 1 आता है. जब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो इससे फिर 6 आता है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि जब मैं 6 को 3 पे डिवाइड कर दूँ तो इससे तो 2 आता है लेकिन जब मैं 2 को 3 पे डिवाइड करता हूँ तो इससे मेरे पास 0.66 आता है. तो ये 0.66 और 6 ये आपस में इक्वल नहीं है. तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड है. डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो है ये दोनों इसमें होल्ड नहीं है. इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स. ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर मेरे पास 3 नंबर हो एक्स वाई और जेड जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है. अगर मैं इस तरह करूँ कि एक्स प्लस जेड कर दूँ यहाँ पर और वाई प्लस जेड और एक्स को मल्टीप्लाइड कर दूँ इन दोनों को तो एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं और इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर x जो है मैंने लेफ़्ट साइड पे लगा दिया और लेफ़्ट साइड पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इस तरह x प्लस वाई इंटू जेड तो है एक्स जेड प्लस वाई जेड इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो z जो है जो कि मल्टीप्लाइड हो रहा है इसको ये राइट साइड पे है तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. और r को हम r इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. ये डिस्ट्रीब्यूटिव है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट. माने मेरे पास एक नंबर है x जो कि r से बिलोंग करता है. अगर मैं मेरे पास एक और नंबर हो जिस जो कि e है अगर मैं इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ x और इस e पे तो इससे मेरे पास x आता है. इस तरह अगर मैं पहले e कर दूँ फिर x यानी ऐसा इंसान जिसको मैं x के साथ बाइनरी ऑपरेशन करवा दूँ और उससे मेरे पास वही x आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं. अब अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है तो इस सूरत में मेरे पास जो e है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो 0 है. वो क्यों? क्योंकि आप अगर आप यहाँ पर देखें अगर मैं x को 0 ऐड कर दूँ तो इससे मेरे पास x आता है. ये जो है ये राइट साइड पे है. इस तरह अगर मैं राइट लेफ्ट साइड पे एक्स को अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो इससे मेरे पास एक्स आता है. तो इसका मतलब क्या होगा? हुआ कि 0 जो है वो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि जब मैं इसको एक्स ये एक्स तो मैंने जनरल एलिमेंट लिया है इसको इस 0 को जब मैं किसी भी नंबर के साथ जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो उससे मेरे पास वही नंबर आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है. इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अगर बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो तो इस सूरत में मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 है. वो क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे मेरे पास x आता है. 1 ऐसा इंसान है एक जो है जिसको मैं किसी भी इंसान के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे मेरे पास वही इंसान आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ये जो है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. इसके बाद है इनवर्स. इनवर्स का क्या मतलब है?
अगर x मेरे पास कोई भी एलिमेंट हो जो कि R से बिलोंग करता है और y भी एक एलिमेंट है जो कि R से बिलोंग करता है, अगर दोनों पे मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दूं और इससे मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए इन दोनों पे, अगर ये x और y इस दोनों पे अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दूं और उससे मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y जो हैं वो आपस में इनवर्स हैं एक दूसरे का विद रिस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप यहाँ पर एडिशन की बात करें, एडिटिव इनवर्स की, तो यहाँ पर मेरे पास जब एक्स और वाई पे जब मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो इससे मेरे पास जीरो आता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी जो मेरे पास है वो जीरो है और एडिशन में। तो यहाँ पर एक्स और वाई पर जब मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो इससे मेरे पास जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो माइनस वाई की इक्वल है, तो वाई माइनस वाई जो है वो एडिटिव इनवर्स है ऑफ एक्स का एडिटिव इनवर्स है। इस तरह एक्स वाई जो है वाई का एडिटिव इनवर्स वो माइनस एक्स है, एक्स का माइनस वाई है, माइनस वाई जो है वो एडिटिव इनवर्स है एक्स का, और माइनस वाई जो है वो एडिटिव इनवर्स है एक्स का, और इसी तरह माइनस एक्स जो है वो एडिटिव इनवर्स है वाई का। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं एक्स और वाई पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ और इससे मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वन आ जाए, यहाँ पर वन है क्योंकि वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ मेरे पास वन है, देन एक्स जो है वो मेरे पास वन और वाई हो जाएगा और वाई जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन और वाई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक्स का, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो वन ओवर वाई है और वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ओवर एक्स है। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह हम कल अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। बुक्स में जो हैं जो केपीके का खैबर पख्तूनख्वा की जो बुक टेक्स्ट बुक हैं उसने सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने सोचा कि स्टूडेंट को को इन रिहर्सल के लिए उसको ये जो रियल नंबर हैं रेशनल और इरेशनल नंबर, तो स्टूडेंट को या दिहानी के लिए मैंने ये सब किया। इंशाल्लाह कल से हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।